आप देख रहे हैं केवल सच सच। क्या नाम है वो तुम्हारा? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी डेट कर गई। पापा? पापा छोड़ दिए। राति कहाँ हो? नहीं, मामा, मामी और मामी के साथ रहते थे। मामी ठीक से रखती है? वो घर से निकाल दी। मारती भी है? वो घर से निकाली नहीं, खुद चले आए कि वो बहुत मारती थी और फिर और से नहीं। कहाँ मारती है दिखाओ तो। गर्दन दिखाओ तो। मामी का नाम जानती हो? कहाँ? बेगूसराय में रहती है। यही वो के तुम वहां से निकलना चाहती हो? हाँ। वो निकलने नहीं दे रही है? नहीं। कभी तुमको पढ़ाती है वो तुमको? नहीं। कभी तुमको पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना चाहोगी? रात को भी बुक टच करती है तो फिर मारने लगती है और किसी ना किसी बहाने से मारती है। स्कूल जाना है? हाँ। पढ़ाई करनी है ना? हाँ। ठीक। रतनपुर थाना के प्रोफेसर कॉलोनी अंतर्गत एक मामला आया था SHO रतनपुर के संज्ञान में। उसमें यह था कि एक 15 साल की बच्ची है जिसकी मदर उसके पैदा होते समय ही डेथ कर गई थी, तो उसके बाद से बच्ची यहाँ पर अपनी मामी के साथ रहती थी। मामी जो है बच्ची को रखना नहीं चाहती थी कई कारणों से, और वो बच्ची के साथ लगातार मारपीट करती थी। ये बात पुलिस को पता चली। जब पुलिस को इसकी खबर मिली तो SHO रतनपुर स्वयं वहाँ पर गए। उन्होंने ये पाया कि लड़की के शरीर पर कई जगह जख्म थे और लड़की की मामी के द्वारा बहुत ही क्रुएल्टी लड़की के साथ बरती गई थी। बहुत ही हृदय विदारक घटना थी ये। तो SHO रतनपुर अपने साथ इस बच्ची को महिला थाना ले गए, लड़की का इलाज कराया गया है और उसके बाद लड़की के फर्द बयान पे इसमें एक FIR दर्ज की गई है मामी के खिलाफ। और उसी दिन पुलिस ने यानी कि कल मामी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है और लड़की को उसकी परवरिश आगे चल के ठीक तरीके से हो, उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से हो, इसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। तो इसके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यहाँ बनी हुई है, उसके पास मामले को रेफर कर दिया गया है और मैं खुद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष से बात करूँगा। ये देखूँगा कि इस लड़की का लालन पालन पढ़ाई लिखाई आगे चल के ठीक से हो। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जुवेनाइल एक्ट जो बना है सरकार के द्वारा, उसकी एक धारा है जो ये कहती है कि कोई भी परिजन, चाहे वो माता पिता हों या चाचा चाची हों, नाना नानी हो, यदि बच्चे या बच्ची के साथ क्रुएल्टी करेंगे यानी अत्याचार करेंगे, मारपीट करेंगे, उसको शारीरिक चोट पहुँचाएंगे, तो उन पे भी FIR करके उनको जेल भेजा जा सकता है। तो सभी अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि बच्चों के साथ जो बर्ताव है उसको ठीक से रखें, अन्यथा जो कानून बने हैं उसमें अभिभावकों पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।